Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 Flagship Processor 120Hz 1.5K Super AMOLED Display with In-Display Fingerprint Scanner and 50MP Flagship Voice Camera with 4K Video Recording। ये सारे specs इस वीडियो के अंदर पिक किए गए टॉप 5 स्मार्टफोन्स के अंदर अवेलेबल है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 25,000 प्राइस बैंड के अंदर आने वाले टॉप 5 वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स रिकमेंड करने वाला हूं, जो प्राइस के अकॉर्डिंग जबरदस्त स्पेक्स ऑफर करते हैं। दोस्तों, मिड रेंज सेगमेंट मतलब 25,000 का जो सेगमेंट है ना, इसमें आपको नीड्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा स्मार्टफोन मिल सकता है। वैसे भी इस टाइम पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल चल रही है, तो इन सारे स्मार्टफोन्स पर आपको बैंक ऑफर्स एंड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको इस टाइम पर 25,000 प्राइस बैंड के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंट्रिक, परफॉर्मेंस सेंट्रिक या फिर ऑलराउंडर स्मार्टफोन बाय करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। लास्ट तक देखिए। बट आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिवाइस की, जो इस लिस्ट का लास्ट फोन है, नंबर 5th पोजीशन पर आता है, और यह दोस्तों मोटोरोला का मोटो एच 50 फ्यूजन 5G। देखो, ये प्राइस के अकॉर्डिंग जबरदस्त स्पेक्स ऑफर करता है, स्पेशली कैमरा टॉप नॉच मिलेगा। ये 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इसमें 6.67 inches FHD+ कर्व्ड OLED डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंच होल, 144Hz फास्ट रैपिड सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1600 nits पीक ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। डिस्प्ले इस फोन के अंदर बहुत ही बढ़िया मिलता है, कंटेंट वॉचिंग के लिए सुपर है एंड स्मूथली गेमिंग भी कर सकते हो। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसमें वेगन लेदर बैक मिलेगा विद प्लास्टिक फ्रेम। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया जो OIS के साथ आता है, और इसमें आपको सोनी का लीटिया सेंसर 700C मिलेगा। साथ में 13MP का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट साइड में 32MP की सेल्फी दी गई है। इसके प्राइमरी और फ्रंट दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो शूट कर सकते हो मैक्सिमम 30fps पर। कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन का बहुत ही जबरदस्त है, टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, जो वेल ऑप्टिमाइज्ड है, 4nm पर आता है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट, 6 लाख के आसपास अंदर स्कोर मिलेगा। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 60fps गेम प्ले मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है, डुअल सिम स्लॉट, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिलेगा। इसमें 5000 एमएच की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP68 अंडर वाटर प्रोटेक्शन एंड डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। फाइनली प्राइसिंग की बात करूं तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 21,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को 21,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T3 Pro 5G। ये T2 Pro का अपग्रेडेड फोन है, कमाल की स्पेक्स मिलती हैं। अगर आपको इस प्राइस में वीवो का एक बेस्ट फोन चाहिए, देन इसको कंसीडर कर सकते हो। ये 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इसमें 6.77 inches FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो सेंटर पंच होल के साथ आता है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, HDR10+ सपोर्ट, 4500 nits पीक ब्राइटनेस और डिस्प्ले पर शॉर्ट सनसन ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है। रियर साइड में वेगन लेदर बैक मिलेगा विद प्लास्टिक फ्रेम। ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट एंड लाइट वेट वेगन लेदर फोन है, जिसकी थिकनेस 7.5mm एंड वेट 184g मिलेगा। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, जिसमें OIS का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी दी गई है। कैमरा क्वालिटी बेस्ट मिलती है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, जो अगेन 4nm पर बेस्ड है, 8 लाख के अराउंड स्कोर मिलेगा। स्मूथ पर 60fps गेमिंग कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि फन टच OS 14 पर बेस्ड है, डुअल सिम स्लॉट, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप होगा। यहाँ पर 5500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी इसमें IP64 रेटिंग और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 24,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इसको 22,000 रुपए में ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉर्ड C4 5G।
अगर आपको वन प्लस का फोन चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए, देन इसको कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको ऑक्सीजन ओएस का यूजर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर आप 3-4 हजार रुपए एक्सटेंड कर सकते हो तो मैं नॉट 4 को रिकमेंड करूंगा, जो उस प्राइस पर वन ऑफ द बेस्ट फोन है। ये 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इसमें 6.7 इंचेस FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें सेंटर पंच होल मिलेगा, 120Hz फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, HDR10+ सपोर्ट, डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन और 1100 पीक ब्राइटनेस मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्सी टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें ओआईएस भी मिलेगा और ये LYT 600 सेंसर को लेकर आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके प्राइमरी कैमरे से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो मैक्सिमम 30 FPS पर, जबकि सेल्फी से फुल HD मतलब 1080p 30 FPS पर शूट कर पाओगे। कैमरा इसका अच्छा खासा परफॉर्म करता है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, जो 4nm टेक्नोलॉजी बेस्ड CPU है। 8.5 लाख अंतस्कोर आता है। हाइएस्ट सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, जेंसन इंपैक्ट 40 FPS पर खेल पाओगे। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन OS 14 पर बेस्ड है। हाइब्रिड सिम स्लॉट, LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी मिलता है। इसमें 5500mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 100W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP54 रेटिंग, IR ब्लास्टर और डुअल स्टोर स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 23,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इसको अगेन 22,000 रुपए में ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको F6 5G। ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेंटर फोन है। अगर आप इस प्राइस पर नेक्स्ट लेवल गेमिंग करना चाहते हो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। इससे बेटर गेमिंग स्मार्टफोन आपको इस प्राइस पर तो नहीं मिलेगा, बाकी फीचर्स भी प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया मिलते हैं। ये 8+256GB बेस ब्रांड से आता है। इसमें 6.67 इंचेस 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें सेंटर पंच होल मिलेगा, 120Hz फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन, HDR10+ सपोर्ट, डॉल्बी विजन, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और इतना ही नहीं, ये एक 12-bit पैनल है, यानी कि 68 बिलियन कलर्स मिलते हैं, जिससे क्वालिटी आपको 10-bit के कंपेयर बेटर मिलेगी। डिस्प्ले कमाल का मिलता है नो डाउट। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्सी टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें ओआईएस मिलेगा और ये IMX882 सेंसर को लेकर आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट साइड में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके प्राइमरी कैमरे से 4K वीडियो शूट कर सकते हो मैक्सिमम 60 FPS पर, और सेल्फी से भी आप 2K मतलब 1080p 60 FPS पर शूट कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, जो 4nm बेस्ड CPU है, 1.5 मिलियन 15 लाख प्लस अंतस्कोर आता है। हाइएस्ट सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, फ्लेक्सिबल एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि हाइपर ओएस पर बेस्ड है। डुअल सिम स्लॉट, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप भी मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 120W का अडैप्टर मिलेगा। बाकी इसमें NFC, IP64 रेटिंग, IR ब्लास्टर और डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों ये 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है, जिसकी प्राइस है फिलहाल 23,999, बट इस सेल के दौरान इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इसको 22,000 से 23,000 रुपए में इजीली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी GT 65G। ये सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फोन है। एक्चुअली ये बेस ब्रांड के साथ अबव 30,000 लॉन्च हुआ था, बट इस सेल के दौरान आप इसको 25,000 के आसपास बाय कर सकते हो। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इसके अंदर 6.78 इंचेस 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। और हाँ, ये एक कॉप्ड पैनल है, सेंटर पंच होल दिया गया है, 120Hz फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 6000 nits पीक ब्राइटनेस और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। डिस्प्ले फ्लेक्सिबल दिया गया है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें ओआईएस भी मिलता है और ये LYT 600 सेंसर को लेकर आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके प्राइमरी कैमरे से 4K वीडियो शूट कर सकते हो अगेन 60 FPS पर, और सेल्फी से 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS पर। अमेजिंग कैमरा सेटअप दिया गया है, फीचर्स भी कमाल के मिलते हैं, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वालिटी मिलेगी नो डाउट।
इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 जो 4nm पर बेस्ड है, 1.4 मिलियन प्लस अंडरस्कोर आता है, BGMI और COD मोबाइल 60 FPS पर रन कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है जो कि रियलमी UI 5.0 पर बेस्ड है, 12 सिम स्लॉट, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिलेगा। इसमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 120 वॉट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें NFC, IP65 रेटिंग, IR ब्लास्टर और डुअल स्टोरेज स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी प्राइस है फिलहाल 29,999, बट 4,250 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस फोन को 25,000 से 26,000 रुपये में इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 25K। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।